हेलो दोस्तों, कैसे हो? फेज 9 आप लोग दिन भर से कमेंट कर रहे थे कि जो बचे हुए रीजन है उनका अपडेट कब आएगा। तो गाइज, इतना एक्सपीरियंस है कि पता चल जाता है कि कब क्या चीज होने वाली है। ठीक है, सो गाइज, अभी आप देख लो जरा, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से रीजन की अपडेट आ चुकी है। एक तो आपका MPR रीजन और हमारा NWR रीजन, ठीक है। और कौन कौन से रीजन बचे हैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जैसा सेंट्रल रीजन में हुआ था, आपके जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन स्टेटस है उसकी लिंक जो है आपको फर्स्ट वाली दी है, और जो सेकंड है उसमें एक्सेप्टेड वाले हैं। तो आप मैट्रिकुलेशन लेवल से, चाहे आपने अप्लाई किया हो NWR रीजन में, चाहे आपने हायर सेकेंडरी से या ग्रेजुएट लेवल से, आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस देख सकते हैं और अपना एग्जाम देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट को है, कहाँ है, ठीक है। और इसके बाद आज दिन में जो अपडेट आया था वो आया था हमारा MPR रीजन का। इन्होंने भी सेम ऐसे ही दिया है, रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट अलग दी है, मतलब जो स्टेटस है, और बाकी जो लोग एक्सेप्टेड हैं वो आपके जो सेकंड लिंक है। सो गाइज, पहली चीज सब्सक्राइब कर लो। फेज 8, 9, 10 जो भी है, सभी के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जुड़े हैं हमसे, और आगे फ्यूचर में आप लोगों को हर एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, और जब आपका स्क्रूटनी होगा उस टाइम आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हेल्प की। मैंने खुद ने फेज 8 दिया है और अपना स्क्रूटनी मैंने मतलब सक्सेसफुल हुआ है। सो गाइस, जो भी डिफिकल्टीज मैंने देखी है फेज 8 में स्टूडेंट्स ने उठाई है, वो सब चीजें मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को फेस करनी पड़े। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ हर जगह पे शेयर करूंगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लो, प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। सारे PDF लिंक्स वहां पे शेयर कर देता हूँ और यूट्यूब पे अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। अब हमारा बचा है एक तो NR रीजन का, और हमारा दूसरा बचा हुआ है आपका WR रीजन का, ठीक है। NR में आपका राजस्थान और दिल्ली है, और वेस्टर्न रीजन में आपका जो महाराष्ट्र और गुजरात है, ठीक है। सो इनकी अपडेट आपको हो सकता है कि कल मिल जाए, नहीं तो 27 को आपको डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। और जिन रीजन का एग्जाम स्टेटस आ चुका है उनके एडमिट कार्ड आपको 27 जनवरी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तुरंत आपको अपडेट शेयर कर दूंगा जैसे कुछ आएगा, और जो भी मुझे लगेगा कि ये जरूरी चीजें हैं आप लोगों तक पहुंचना, आपको प्रॉब्लम्स ना हो, वो मैं तुरंत शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।